तलवाड़ा टेप में गवर्नमेंट स्कूल के सामने एक खेत है, यहाँ इनका सामान भी रखा रहता है, मटके वगैरह बनाते हैं। यहाँ एक सांप या अजगर बता रहे हैं, अजगर है। अब देखते हैं हम कि ये घास के अंदर छुपा हुआ है, इसको अब हम रेस्क्यू करेंगे और जंगल में रिलीज कर देंगे। अरे कहीं डाल रही थी देखा था नहीं अजगर नहीं ये हो रहा अजगर ही है छोटा ये अजगर नहीं है ये मिट्टी के अंदर छुपती है सेंड हुआ सांप है ये नॉन पॉइजन रहता है बाकी अजगर जैसा दिखता है ये बस केवल मिट्टी में छुपने की कोशिश करता है मिट्टी के अंदर रहता है ये सांप उसको उठा तो कहाँ भरा हुआ ये अपने मुंह को हमेशा छुपाने की कोशिश करता है ये तो बड़ा देख ये डर नहीं लगे था ये अजगर नहीं है यदि इसको हाथ लगाएंगे तो ये बस ऐसा हाथ लगाएंगे तो ये अपना मुंह छुपा लेगा यदि इसको लकड़ी लगाए ना तो ये अपने ये मुंह को छुपा लेगा ये ऐसी प्रक्रिया करता है कि बस इसके मुंह को बचाने की कोशिश करता है ये अपने मुंह को बिल्कुल अंदर छुपा लेगा यहाँ से भी जाड़ो है ना एक कट्टा में भरा था अगला सांप इसको सेंड हुआ सांप बोलते हैं नॉन पॉइजन रहता है और ये मिट्टी के अंदर रहता है छिपकली मेंढक वगैरह खाता है ये सांप हाँ ये बाइट भी करता है ऐसा नहीं है काटता नहीं है ये बस ऐसा छुप जाता है और एकदम से काटने की कोशिश करता है खेली लिया ये पढ़ी हो ये पीरोजी थेले देखो बेहतरीन तरीके से पकड़ा छोटी सी है ना पीरोजी ये सेंडगुआ सांप हमने रेस्क्यू किया था ये सेंडगुआ का प्रजाति का है मिट्टी में रहता है ये सांप नॉन पॉइजन होता है बहुत शर्मिला होता है ये हमने तलवारा डीप राजू प्रजापत के खेत में से मतलब उनके मटके वगैरह बनाते हैं वो वहाँ पे हमने इसको रेस्क्यू किया था अब इसको हम जंगल में आए हैं रिलीज करने अजगर जैसा दिखता है और ये देखो ये एकदम से बिल्कुल बाइट करता है ये अपने मुंह को छुपा लेता है ये